दोस्तों वर्तमान समय में मनुष्य ने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से क्रांतिकारी आविष्कार किए हैं। आज हम मानव के एक अद्भुत आविष्कार लड़ाकू विमान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 शक्तिशाली लड़ाकू विमान के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। F-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमान का निर्माण अमेरिका में हुआ था। इस लड़ाकू विमान को अमेरिका ने रैप्टल फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर निर्मित किया था। यह विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस वर्तमान समय का सबसे लड़ाकू घातक विमान है। इसकी तकनीक इसे पूरी दुनिया में सबसे आगे रखती है। ये विमान एक बार उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से हमला करने में सक्षम है। अभी तक इसको रोकने की कोई भी तकनीक विकसित नहीं हुई है। इस विमान के दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अभी से अपना दबदबा बना लिया है। T-50 सुखोई PAKFA। सुखोई PAKFA का निर्माण भारत और रूस के प्रयास से रूसी और भारतीय सेनाओं के लिए बनाया जा रहा है। यह लड़ाकू विमान पांचवी पीढ़ी का दुनिया का सबसे सफल विमान होगा। इस विमान का निर्माण सिंगल और डबल दो श्रेणी में किया जा रहा है। T-50 सुखोई PAKFA विमान का नाम सुनते ही पश्चिम के देशों के पसीने छूटने लगते हैं। वर्तमान समय में रूस के पास स्टेल्थ टेक्निक से लैस कोई भी विमान नहीं है। इस विमान के निर्माण के बाद रूस और भारत दोनों ही दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने के काबिल हो जाएंगे। इस विमान के निर्माण के बाद भारत और रूस पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। चेंगदजू J-10। वर्तमान समय में यह लड़ाकू विमान चीनी सेना का अचूक हथियार है। ऐसा ही एक थंडर नाम का विमान पाकिस्तान के पास भी है। यह लड़ाकू विमान किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेजी से वार करने की काबिलियत रखता है। इस विमान में लेजर गाइडेड बमों की तैनाती के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम भी तैनात हैं, जो इसके मारने की क्षमता को और बढ़ाता है। यह विमान एक बार उड़ान भरने पर दुश्मन के कई ठिकानों पर बारूद गिराने में सक्षम है। वर्तमान समय में चीनी सेना चेंगदजू 10 श्रेणी के 400 विमान का इस्तेमाल कर रही है। डसाल्ट राफेल हर नई तकनीक से लैस होने के साथ ही परमाणु हमले में भी सक्षम है। डसाल्ट एविएशन की ओर से विकसित ये फाइटर प्लेन फ्रांस के अग्रणी स्ट्राइक टीम का मुख्य हिस्सा है। इस फाइटर प्लेन में इसका खुद का रेडार सिस्टम है, जो दुश्मन के हमले को तुरंत पकड़ उन्हें जवाब देने की ताकत रखता है। इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, जो सिंगल सीटर जमीन हमले के लिए, डबल सीटर जमीन से हमले के लिए और राफेल M सिंगल सीटर नौसेना के इस्तेमाल के लिए है। F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन। इस लड़ाकू विमान का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया था। यह लड़ाकू विमान रेडार की पकड़ में न आने के कारण दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में माहिर है। यह प्लेन अमेरिका में इतना खास है कि इसका अंदाजा बस इस बात से लगा सकते हैं कि एक खास कानून बनाकर अमेरिका ने इसे दूसरे देशों की खरीद से दूर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका इस विमान को किसी को नहीं बेचेगा। यह लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक जमीन के पास और दूर रहकर भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है और साथ ही दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को भी बर्बाद कर सकता है। सी हारियर अपनी श्रेणी में अद्भुत क्षमता रखने वाला तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान ब्रिटिश सेना के लिए बनाया गया था। यह विमान समुद्र से जमीन पर हमला करने में सक्षम है और पोत के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। फॉकलैंड युद्ध में इन विमानों ने दुश्मन के 20 विमानों को मार गिराया था। आज भी भारतीय नौसेना सी हरियर का इस्तेमाल कर रही है। इस लड़ाकू विमान के दम पर ब्रिटेन ने फॉकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्धों और बालकन तनाव के समय भी हमला किया था। यूरोफाइटर टाइफून। इस फाइटर प्लेन का निर्माण यूरोपियन के देश जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने संयुक्त रूप से किया है। यूरोफाइटर टाइफून बहुउद्देशीय फाइटर प्लेन है, जो किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। पूरी दुनिया के करीब 22 देश यूरोफाइटर टाइफून का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोफाइटर टाइफून ने 2011 में लीबिया हमले के दौरान फ्रांस और इटली की ओर से कमान संभाली थी।
इस फाइटर प्लेन में खुद का रेडार भी है जो किसी भी हमले से बचाव में काम आती है। यूरो फाइटर टाइफून फाइटर प्लेन अमेरिका के F-12 रैप्टर प्लेन के आधे दाम का है। मैकडोनिल डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल। मैकडोनिल डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल प्लेन पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकता है। यह फाइटर प्लेन लंबे समय से अमेरिका समेत 4 देशों की वायुसेना का हिस्सा है। इस प्लेन ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया युद्धों में व्यापक स्तर पर तबाही मचाई है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराक सेना पर हमला किया तो इराकी वायुसेना ने F-15 विमानों का हवाला देकर उड़ने से इनकार कर दिया और कुछ समय में ही अमेरिकी सेना के इस फाइटर प्लेन ने पूरे इराक को तबाह कर दिया। तेजस। भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से स्टिल्थ तकनीक से लैस यह विमान भारत की हर जरूरत को पूरा करेगा। तेजस कम ऊंचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस नहस कर सकता है। यह विमान बेहद हल्का और बहुत कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम में और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देशों पर किसी भी युद्ध के शुरुआती चरण में ही बढ़त बना लेगा। इस पर परमाणु हथियारों की भी तैनाती की जाएगी। इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकेगा। ग्रिपेन। स्वीडन का ग्रिपेन लड़ाकू विमान भी सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। यह विमान अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल विमानों से भी बेहतर है। यह विमान एक तरफ तो दुनिया के सबसे तेज Mach 2 स्पीड सुपरसोनिक से हमला करती है तो वहीं दूसरी ओर बहुत छोटे 25 मीटर की पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। स्वीडन के इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसके रखरखाव का सबसे सस्ता होना है। ये हर परिस्थिति में सटीक तरह से हमला करने में भी सक्षम है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।